किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? आपने बताया किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारा नौजवान जो बेरोजगार है परेशान है कि नहीं परेशान है? देखा नहीं आपने हाथरस में किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में क्या हुआ? अगर झूठ बोलने का कंपटीशन पूरे विश्व में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाले नंबर वन पर आएंगे। अगले 5 साल में ये ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ से पलायन करने का काम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इन्होंने तो किसानों के ऊपर 3-3 कानून ला दिए, काले कानून। किसानों का 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई। लेकिन कृषि मंत्री ने कह भी दिया महाराष्ट्र में कि इसको हम दोबारा से लेकर के आएंगे। हम सब लोग अभी आप लोगों ने हमारे पूर्ववक्ताओं के विचारों को बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया। मैं भी आप लोगों से मुखातिब हूं और सिर्फ 2-4 बातें आपसे पूछ करके बैठना चाहता हूं। भाषण देना नहीं चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो लोग यहां पर बैठे हैं, जो लोग यहां पर खड़े हैं और यहां पर जो सामने की जनता है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं और सब लोग पुरझोर आवाज में जवाब देने का काम करिएगा। मुझको एक एक मुंह से जवाब चाहिए, कोई मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं क्या 2017 से लेकर के 2021 के बीच में, आज 21 का आखिरी दिन है, आप सब लोग जोर से बताइएगा किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग बताइए किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारा नौजवान जो बेरोजगार है परेशान है कि नहीं परेशान है? सरकारी कर्मचारी परेशान है कि नहीं परेशान है? बैंक के कर्मचारी परेशान है कि नहीं परेशान है? रेलवे के कर्मचारी परेशान है कि नहीं परेशान है? नगर पालिका, नगर निगम, जल निगम के कर्मचारी परेशान है कि नहीं परेशान है? अगर सब लोग परेशान है तो बताइए इस परेशानी से हमको निजात चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर निजात चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हम सबको आज यहाँ पर इस जैन संतालाब के सामने ये शपथ लेना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर 5वीं बार स्थापित नहीं कर लेंगे, हमारा एक भी सिपाही चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। ये तमाशा बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाशा बन गया है पूरे हिंदुस्तान में। आज बेचने का ठेका ले लिया इन्होंने। आप सब लोगों की काही कमाई से, आप लोगों के द्वारा टैक्स के पैसों से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सब कुछ आज दो लोगों के हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। और खरीदने वाले जो लोग खरीद रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो आपसे उधार लेकर के, आपके पैसे के उधार से खरीदते हैं। और ये वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो उनके कर्जों को माफ करने का काम करती है। क्या तात्पर्य है इसका, क्या सूत्र है, क्या संकेत है? अगर आप सब लोग गंभीरता से देखने का काम करिए तो अगर 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ होता है और एक दिन कर्जा माफ होता है, अगले दिन भाई एयरपोर्ट खरीदने का काम करते हैं। और वो एयरपोर्ट क्या है, वो पोर्ट क्या है? वहां पर ड्रग्स नशे का व्यापार हो रहा है। 33 हजार करोड़ के हीरोइन पकड़ी जा रही है, उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है। हर जगह जा जा करके इनकी संस्था, जो अन्य संस्थाएं, उनके लोग झोला लेकर के घूमते रहे और कहते रहे कि पैसा दे दो, चंदा दे दो, हमें राम मंदिर बनाना है। लाखों करोड़ रुपया पहले इकट्ठा कर चुके थे, लाखों करोड़, यहाँ से भी विदेशों से भी, कहाँ गया वो रुपया? फिर से रुपए की जरूरत पड़ गई और दोबारा भी इन्होंने रुपया, अब की बार हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन कहाँ ले गए वो किसी को नहीं मालूम। ले कहाँ जाते हैं वो? नाम तो लेते हैं राम का, मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं, नोट लेते हैं, लेकिन उसका बाद पैसा इस्तेमाल कहां करते हैं? अपनी पार्टी चलाने के लिए, अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए, और उसके लिए इस्तेमाल करने काम करते हैं। अभी अखबार में पढ़ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तूफान लाने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में। और कैसे लाएगी? 100-100 हेलीकॉप्टर वो लेकर के आ गए हैं,
100 हेलीकॉप्टर उतारने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और हर जिले में आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके वैन टेलीविजनों के साथ दिखेंगे और वो और चीजें भी बांटते हुए नजर आएंगे। ये वो इसलिए जो ये रुपया जो राम के नाम पे लेते हैं उसका इस्तेमाल इन कामों पे करते हैं। इनके यहाँ तो खाली नाम लेते हैं, भगवान को मंदिर से बाहर निकाल करके और हाथ में लेकर के कहते हैं इनके नाम पे वोट दे दो। ये अयोध्या में आप जाकर के देखिए, वहां पर अयोध्या के जो हालात खराब हैं, वो इतने हालात खराब हैं कि आपको सबसे बड़ा खराब से खराब भी जो शहर है वो भी लगेगा बहुत अच्छा है। वहां पर अगर कोई काम हुआ तो किसने किया? बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी। अब की बार आपके आशीर्वाद से और आप लोगों के समर्थन से और ईश्वर के आशीर्वाद से अब की बार ये तो तय है, क्योंकि आपके यहां तो मैं आखिरी मीटिंग इस मंडलीय स्तर की कर रहा हूं, लेकिन ये तय है, मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है। जिस तरह से जन सैलाब आज आप यहां देख रहे हैं उमड़ा हुआ है, इसी तरह से जन सैलाब जहां जगह छोटी पड़ गई, मैदान छोटे पड़ जाते हैं, इसी तरह से हर जिले में जहां जहां अभी हम लोग गए हैं वहां पर जन सैलाब जो हम लोगों ने देखा है, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लेने के लिए लोग हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, वो दिख रहा है कि आने वाला कल नहीं, आने वाला जो वर्ष है वो नया वर्ष जो है वो आपका होने वाला है। उसी तरह से वहां भी तोड़ दिया, पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ, तो वहां के लोग खड़े हो गए, वहां के ब्राह्मण पंडित पुजारी लोग आ गए, उन्होंने घेर लिया हमको, कहा कि देखिए क्या हम लोगों के साथ में हो रहा है, हम लोग सड़कों में आ गए, हमारी सौ क्या सैकड़ों वर्षों से पुष्ट दर पुष्ट यहाँ पर बैठते थे, काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, आज हमारी सब चीजें तोड़ दी गई हैं और हमसे कहा गया है अपना बिरिया बुस्तर बांध लो, तुम्हें यहां से जाने की तैयारी करनी है, तुम्हें यहां से भगाया जाएगा। और कौन आएगा वहां पर? कहते हैं हमने पूजा कौन कराएगा, तो कहते हैं कि नहीं, अब ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, अब ब्राह्मणों को यहाँ पुजारी के रूप में जरूरत नहीं है, सनातन धर्म हमको पसंद नहीं है, इसलिए सनातन धर्म ही यहाँ नहीं आएंगे। अब कौन आएगा? अब गोरखपुर से मठ के लोग आएंगे और वो मंदिरों में कब्जा करेंगे, और कब्जा शुरू भी कर दिया गोरखपुर के मठ के लोगों ने। पूरे प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण पंडित जो थे वो मार दिए गए, पुजारी लोग उनकी हत्या हो गई, 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए। ऐसा क्या चिढ़ है ब्राह्मणों से, ऐसी क्या नाराजगी है कि ब्राह्मणों का नाम सुनते ही और एकदम चेहरा लाल हो जाता है, दलितों का नाम सुनते ही घृणा करने लगते हैं और चिढ़ आ जाती है, नाराजगी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हुआ हाथरस में? देखा नहीं आपने हाथरस में किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में क्या हुआ? उसके साथ में पहले तो दुराचार और बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु शरीर भी उसके परिवार वालों को नहीं देते हैं। कहते हैं मुखिया खुद बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी को एक चपरासी की तरह खड़ा रखा पूरी रात और कहा कि हम टेलीविजन में बैठ के स्वयं देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, और उसके बाद जिलाधिकारी को क्या निर्देश थे, वो तो तस्वीर अखबार में छपी कि वो टेलीविजन में देख रहे दृश्य, और जिलाधिकारी को ये आदेश हुआ कि किसी भी तरीके से इसका मृत शरीर इनके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। मां रोती रही, बिलखती रही, घर वाले रोते रहे, लेकिन मृत शरीर उनके हाथों में नहीं दिया, उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। उन्होंने कहा दूर से दिखा दो, नहीं, क्योंकि आदेश है लखनऊ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर कितना घृणित कार्य हुआ, किस तरीके से आपने देखा ही, कितनी हत्याएं हो गई, कितने एनकाउंटर हो गए, पढ़े लिखे लोग आपके बुंदेलखंड में ही महोबा में ब्राह्मण समाज का व्यापारी, वो क्या उसकी गलती थी, वो पैसा नहीं दे रहा था, वसूली करी जा रही थी उससे, उसको गाड़ी में उसी की गाड़ी में बैठ करके और गोली मार दी आई पी एस अधिकारी, और मारने के बाद आज 1.5 वर्ष हो गया है, वो आईपीएस अधिकारी कहीं नजर नहीं आया, कहीं पकड़ा नहीं गया, आज तक नहीं दिख रहा है। अभी कोई और ब्राह्मण समाज का, कोई और किसी समाज का जो आरोपी हो तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उसको तो पकड़ के ले ही आएंगे, उसकी गाड़ी भी पलटा देंगे, गाड़ी पलटाने के बाद उसको गाड़ी से बाहर भी निकालेंगे और उसके बाद गोलियों से भून भी देंगे, और यहां 1.5 वर्ष हो गया है, अभी एक आईपीएस अधिकारी को नहीं ढूंढ पाई है सरकार।
नतीजे मिल रहे हैं वो तो अभी और देखने को मिलेंगे। सरकार तो आने दो, अगले 5 साल में ये ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ से पलायन करने का काम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी और उस बहुत ही मजबूत थी अपने और राजनीति में थी, लोगों के लिए काम दिन रात करती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए, वहां के नेता जो उसके विरोधी थे फर्जी मुकदमे में उसको फंसा दिया, फंसा करके जेल भिजवा दिया और जेल भेजने के बाद फिर से वही खुशी दुबे की तरह कि उसकी बेल ना होने पाए, उसकी तबीयत खराब हो गई, वहां पर उसकी हालत खराब हो गई। उसके बाद अदालत ने जब उसको पता लगा उसने उन्होंने बेल दे दी, उन्होंने कहा इसके ऊपर क्या मुकदमा बनता है, उसको तो बेल दे दी। जब बेल मिल गई तो इतना नाराज, अदालत से कुछ नहीं कह सकते थे, नाराज हो गए अपने अधिकारियों के ऊपर और अपने वकीलों के ऊपर, कहा कि कैसे बेल करा दी, क्यों बेल होने दी, अब ऐसा करो कि जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। आप सोचिए कि एक महिला जिसकी बेल हो गई और बेल होने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया, और कब आने दिया, 15 दिन तक उसको जेल के बाहर आने दिया, और आने कब दिया रेणु शर्मा नाम की इस लड़की को, इस महिला को, जब उसकी मृत्यु हो गई और मृत शरीर ही उसको जेल से बाहर आया, और इसी का इंतजार ये कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम खुशी दुबे का भी हमको सूचना मिल जाए कि उसकी मृत्यु हो गई है, तब हम उसका भी मृत शरीर जेल से बाहर आने का। और ये लोग कहते हैं, अभी 2 दिन पहले कल हम परसों अखबार में पढ़ रहे थे, टेलीविजन में देख रहे थे कि बात कर रहे थे, दिल्ली में एक सभा हो रही है, सभा क्या हो रही है, वहां के बड़े जो इनके नेता हैं वो अपने घर में बुला करके उत्तर प्रदेश के जो इनके सरकार में 5-6-8 ब्राह्मण समाज के लोग जिनको गुलदस्ते की तरह रखे हैं, जिनके हाथों में कोई ताकत नहीं है, जो एक आवाज नहीं बोल सकते, अगर बोले तो मंत्रालय से बाहर हो जाएं, तो ऐसे लोगों बुला करके ये कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज नाराज है, क्या करा जाए, कैसे उसको संभाला जाए, चुनाव आ गया है, ब्राह्मण समाज को संभाल लो, चुनाव के बाद फिर निपट लेंगे उनसे। और इसलिए ब्राह्मण समाज के बारे में क्या बोलते हैं, जब मीडिया ने बोला कि पूछा एक इनके ही राज्यसभा के एमपी से कि ब्राह्मण समाज नाराज है, क्या कहते हैं, तो जवाब देते हैं ये ससुरे ब्राह्मण जइए कहां, इनको तो हमारे पास रहना ही पड़ेगा, इनको तो हमारे ही पास रहना पड़ेगा। ये भूल जाते हैं कि ये ससुरे ब्राह्मण एक दो नहीं है जो समझ रहे हैं, ये लोग जवाब देना जानते हैं, और जवाब दे करके और आप अपने हाथ में सत्ता लेने का काम भी करते हैं, और चाणक्य ने भी करके दिखाया किस तरीके से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाने का काम किया था, ये भी देखा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर पहले किया है तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने 2007 में भी करके दिखाया, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, एकजुट होकर के हमारे साथ में इकट्ठा हुए, हम पूरे प्रदेश में उस बार भी घूमे थे, और उसके बाद हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज के लोगों से अगर आप चाहते हैं अपना खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान वापस लाना चाहते हैं तो फिर आप भाईचारा बनाइए बहन मायती जी के सामने, कि हम अपना पूरा समर्थन आपको हर सीट पे देने का काम करेंगे। बहन मायती जी ने भी उस दिन जब हमने गणेश जी की प्रतिमा उनके हाथ में दी थी तो हमें आज भी याद है, सीधे वो ब्राह्मण समाज की तरफ से दी थी, वो माइक पर गई थी और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात पूरी की। हमारे बहुत से साथी उस समय जो वहां थे, दिनकर जी भी, नकुल दुबे जी, सब लोग वहां उस समय मौजूद थे, उनको भी ये याद है। और उसके बाद जब सरकार बनी तो बहन मायती जी ने सरकार के पहले जो कहा था कि हम सम्मान बढ़ाएंगे, उन्होंने पूरा सम्मान बढ़ाने का काम किया ब्राह्मण समाज का, और हर तरीके से हर जगह बढ़ाया, हर उन्होंने सर्वजन का किया, सबको लेकर के किया, तो ब्राह्मण समाज को भी पीछे नहीं छोड़ा, चाहे फिर पहला चीफ सेक्रेटरी, पहला डीजीपी, पहला लॉ सेक्रेटरी और पहला एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के दोनों, और चाहे 4,000 सरकारी वकील हो, और चाहे 15 कैबिनेट मंत्रालय देने की बात की हो, चाहे 15 से ज्यादा एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाए हो, 35 से ज्यादा मंत्री का दर्जा देते हुए चेयरमैन बनाया हो, ये सब काम बहन मायती जी ने किया, आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भी भेजा, और आज 18वां वर्ष चल रहा है, हमको राज्यसभा में उन्होंने अपना पार्टी का लीडर बना के रखा हुआ है। आज भी ब्राह्मण समाज से हम ताल्लुक रखते हैं कि कौन सी सरकार चाहिए, क्या ऐसी सरकार चाहिए
जो खाली अपने ऊपर विज्ञापन में पैसा खर्चा करती है, खाली 300 करोड़ रुपया महीना अपने ऊपर विज्ञापन में इसलिए खर्चा करती है कि उनका चेहरा हर अखबार के हर पन्ने में आपको दिखे। जब भी अखबार खोलिए, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक आपको उनका चेहरा दिखेगा और ये कहते हुए दिखेगा कि हमने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं। टेलीविजन खोलिए, उसमें दिखेगा 3600 करोड़ रुपया एक साल में और 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल में लगा दिए। अगर यही रुपए उन्होंने गरीबों के ऊपर लगा दिए होते, दवाई में लगा दिए होते, अस्पतालों को ठीक करने में लगा दिए होते, तो कोरोना के दौरान लाखों की संख्या में, जो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग मरे, और किस लिए मरे कि दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली और डॉक्टर नहीं मिले, नर्स नहीं मिली, इसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया और इतने लोग मरे कि उनकी उनको जलाने की भी जगह नहीं मिली, उनके दफनाने की जगह भी नहीं मिली। लोगों ने नदियों में बहाने का काम किया, गंगा नदी में बहाने का काम किया, गंगा किनारे दबाने का काम किया और ये लोग 20,000 करोड़ रुपया अपना ऊपर खर्च करके ये दिखाने का काम करते हैं कि देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए इनका असली चेहरा पहचान के रखिए, ये आपके नहीं है, या आपके ऊपर धर्म का मुखौटा कभी किसी चीज का करके आएंगे। महिलाओं से कहा था, इन्होंने वादा किया था, वादे करने में तो ये नंबर वन है, लेकिन वादे करने समय झूठ बोलने में भी नंबर वन है। अगर झूठ बोलने का कंपटीशन पूरे विश्व में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाले नंबर वन पर आएंगे, कहीं पीछे नहीं आएंगे। महिलाओं से कहा कि हमको, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हें हम रसोई बहुत सस्ती कर देंगे। क्या किया इन्होंने, सुरक्षा कैसी दी? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो अभी आपने बताया, हमने बताया आपको, इनकी खुद की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हमारे आंकड़े नहीं है, अगर आप देख लीजिए इनकी जो खुद की रिपोर्ट है, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में, हर 2 घंटे में उसके साथ दुराचार और उसके साथ बलात्कार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा मांगी थी? गैस सिलेंडर जो 200 रुपए का था वो 1300 का पहुंच गया, 1200 का पहुंच गया। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो 100 रुपए और 110 पहुंचाने का काम करके हर चीज की महंगाई बढ़ा करके रसोई में उन्होंने महिलाओं की कमर तोड़ने का काम कर दिया। किसानों से कहा कि हम तुम्हारे, तुम हमको वोट दो, तुम्हारी आमदनी दो कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। क्या दोगुना किया इन्होंने? 25 रुपए गन्ना का दाम जब चुनाव आ गया सर पे तब बढ़ाने का काम किया। 5 रुपए सालाना के हिसाब से इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया है। बहन मायती जी ने तो कोई वादा नहीं किया था, लेकिन किसान और जैसे हर गरीब, और चाहे वो किसी वर्ग का हो, और चाहे टीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे और लोग हो, उनके दिल में बसते हैं और वो उन्हीं के बारे में दिन रात सोचने का काम करती है। और उन्होंने अपनी सरकार में बगैर वादा किए 125 रुपए क्विंटल का दाम जो था उसको 250 रुपए पहुंचा करके और 2 गुना करने का काम बहन मायती जी ने किया। इन्होंने तो किसानों के ऊपर 3-3 कानून ला दिए, काले कानून, जिससे किसानों की जमीनें भी इनके कब्जे में आ जाएं, उसी तरह से आ जाएं जैसे, और किसके हाथ में चली जाएं? उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में जिन्होंने पूरा देश लूट लिया है और सारे सार्वजनिक उपक्रमों को खरीदने का काम किया है, जैसे कि श्री नकुल दुबे जी ने आपको बताया। जहां जहां नौकरी मिलती थी, जहां जहां सरकारी नौकरी हो सकती थी, सब खत्म हो गई, क्योंकि वो तो निजी हाथों में चला गया। और इसी तरह से जमीन भी देना चाहते थे, आज बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों की जमीन पट्टे में अपने नाम पे, इन उद्योगपतियों के नाम पे लिखवाना चाहते थे। किसानों ने समझ लिया, विरोध किया पूरे देश में, उसके बाद क्या किया इन्होंने? 4-4 किसानों को तो दबा के कुचल के मार दिया और उनको, उनकी, उनको मौत के घाट उतार दिया। किसानों का 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई, 700 से ज्यादा किसान मर गए। तब जाकर के इन्होंने, चुनाव चूंकि सर पे आ गया इसलिए वो किसानों वाला कानून वापस लेने का काम किया। लेकिन साथ साथ में अभी 4 दिन पहले इनके कृषि मंत्री ने कह भी दिया महाराष्ट्र में कि इसको हम दोबारा से लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कानून था, अभी चुनाव की वजह से हमने इसको वापस ले लिया है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगार लोगों को धोखा दिया, उनसे वोट मांगा, कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे और जब नहीं दी, आंदोलन किया तो उनको लाठी डंडे और उनका सर फोड़ने का काम किया। और फिर सलाह क्या देते हैं कि जाओ पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं उनको। पकौड़ा बेचना, सब्जी लगाना, ठेला लगाना, ये हमारी पार्टी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि हमारी पार्टी तो है ही गरीबों के लिए, बनी ही उन्हीं के लिए, दिन रात काम उन्हीं के लिए करती है, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। इन्होंने सबको धोखा दिया। अगर आप चाहते हैं
कि महिलाएं सुरक्षित रहें, किसान सुरक्षित रहें, बेरोजगारी खत्म हो। जो बहन रणाती जी ने 9 अक्टूबर को जब 5 लाख से ज्यादा लोग लखनऊ में अभी इकट्ठा हुए थे और बहन मायावती जी ने अपने संबोधन में कहा था कि अब की बार सरकार बनने पे पहला दायित्व हमारा होगा कि हम इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने का काम करें, कि आप हमारे साथ में, हमारी बातों के साथ में हैं, हमारे साथियों के साथ में एक बार खड़े होकर के आप दोनों हाथ उठा करके और इस इशारे को कर दीजिए, दिखा दीजिए कि आप हमारे साथ में हैं। और बहुजन समाज पार्टी की अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।